हाई कोर्ट बार घाल रहे हो आगा जीव ने रो रहे हो कि 100 लोग तो मेरे जीवने के लिए भी सावन का आंधा ना रो रो दिखे तो ऐ तो के सरबम विश्वास रह गया इनका। कोई नाड़ा के पास बोले अमित शाह रहा है को, कोई किस अमित शाह को बेच रहे हो, कोई नरेंद्र मोदी को बेच रहा है, कोई हिंदू मुसलमान के नाम से बेच रहा है, कोई हिंदू उदय परवाटी गौचर नहीं है जो चिड़ावा से पवन माउंडी आ गया, अर्नोलगढ़ से रवि सैनी आ गया, शुभकर्ण चौधरी आ गया, इसको गोचर नहीं समझे। राज सिंह हुड्डा पूरे उदयपुर वाटी विधानसभा में गांव गांव जा रहे हैं और पीले चावल बांट रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर, देखिए पायलट साहब का 18 तारीख को लगभग 11:30 बजे का यहाँ हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम बन गया और उसके लिए मेरा यहाँ पूरी उदयपुर वाटी में सभी वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण भी मेरे कोई कार्यक्रम हो जी। तो इनको मैं निमंत्रण देता हूँ, कार्ड से देता हूँ, पीला चावल देता हूँ, इनके कोई कार्यक्रम है तो मैं आता हूँ, मेरे कार्यक्रम में पूरी जनता आती है तो लाख लाख लोग तो मेरे जीवने के लिए भी आते हैं तो ये लोग वैसे भी आएंगे सारे के सारे, सभी नौजवान बुजुर्ग माता बहन बहुत बड़ी संख्या के तादाद तक के सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे आज तक के। और इसके अंदर ये ऐसा शानदार शेखावाटी के अंदर आगाज होगा कि इसकी गूंज, इस कार्यक्रम की गूंज दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगी, पूरे हिंदुस्तान। मंत्री जी, कल जन आक्रोश यात्रा का समापन हुआ था चौफुल्ला चौरा में और भाजपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि उदयपुर वाटी में जब भाजपा की सरकार आएगी तो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि पहले तो हिसाब आप 149 करोड़ रुपए का टोल के अंदर जो घोटाला आपने कर दिया आपके पूर्व विधायक ने जी। और हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है, हाई कोर्ट बार घाल रहे हो आगा जीव ने रो रहे हो कि 149 करोड़ रुपया हाई कोर्ट की डबल बेंच बोल रही है वो आप पहले तो आप उसका हिसाब दो पाई पाई का, पहले तो लो आप वो जी। और उसके बाद में आप लोगों के जो काले कारनामे हैं, अभी एक तो टेंट लगा रखा आपने यहाँ बांडा नाड़ा के पास बोले अमित शाह रहा है कोई किसके नाम से लूट कर रहा है, कोई किसके लूट से आप कह रहे हो नहीं आ रहा, तो ये तुम अपनी स्थिति स्पष्ट करो कि ये अमित शाह को बेच रहे हो, कोई नरेंद्र मोदी को बेच रहा है, कोई हिंदू मुसलमान के नाम से बेच रहा है, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से बेच रहा है, कोई जाति की राजनीति धर्म की राजनीति है क्या इनके पास। यदि इन्होंने 5 साल के अंदर अपने जीवन पूरे कभी इन्होंने एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो एक, तो उसका नाम बता दे राजेंद्र गुड्डा ने तो सेंचुरी ठोक दी सेंचुरी। मैं पूछना चाहता हूँ तीन सरकारी स्कूल, तीन सरकारी कॉलेज, मंत्री जी वो ये बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने 60 साल में वो काम नहीं हुए जो मैंने 5 साल में किए हैं, वो बोलते हैं 4 साल में सिर्फ करप्शन हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। देख मैं आपको बताऊँ, एक कहावत है सावन का आंधा ना रियो दिखे, तो ऐ तो के सरबम विश्वास रह गया इनका। कोई यदि इन लोगों के कर्म अच्छे होते तो नोलगढ़ के रहने वाले थे, नोलगढ़ की जनता इनके कर्म जानती थी और इनको नोलगढ़ के अंदर 3rd नंबर पर आए थे, आज तक भाजपा का खाता नहीं खुला, वहाँ खाता नहीं खुला 70 साल में नोलगढ़ में, और नोलगढ़ के रहने वाले हैं, उदयपुर वाटी की जनता उनको नहीं जानती थी, इसलिए भोली भाली जनता चक्कर में आ गई और जान गई तो हिसाब कर दिया। और ये उदयपुर वाटी, ये उदयपुर वाटी गौचर नहीं है जो चिड़ावा से पवन माउंडी आ गया, अर्नोलगढ़ से रवि सैनी आ गया, शुभकर्ण चौधरी आ गया, इसको गोचर नहीं समझे। उदयपुर वाटी धर्मशाला नहीं है, सराय नहीं है, इसके मालिक है राजेंद्र गुड्डा जजा 6 फुट 4 इंच का चौकीदार बैठा है, आएंगे तो हिसाब ले लूंगा। धन्यवाद सर। कारण पूरे राजस्थान की सियासत में घमासान मचा कर रखते हैं, आज इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से बेबाकी से उन्होंने अपने जो सवाल थे उनका जवाब दिया है कि ये उदयपुर वाटी की जमी है, ये सरजमी है, ये गोचर नहीं है, हर एक चीज का जवाब लिया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।